अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आर के जे। दोस्तों, मैं अल्लाह ताला के करम से बिल्कुल फिट फाट, और अल्लाह ताला से यही उम्मीद है कि आप सब लोग भी फिट फाट सेहतमंद होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आज माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला के करम से 19 रोज़े हम आज कंप्लीट कर रहे हैं। असर का टाइम है 19 रोज़ों का, और अल्लाह का बड़ा करम है कि हमने इस रमज़ान में बग़ैर किसी गैप के एक्सरसाइज अपनी की है। लेकिन वही बात कि कंट्रोल वे में हमने अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से एक्सरसाइज किया, और यही हम आपको भी रिकमेंड करते हैं कि आपने अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से करना है। हर इंसान की अलग स्ट्रेंथ होती है। कुछ लोगों की स्ट्रेंथ कुदरती बहुत अच्छी होती है, कुछ लोगों की स्ट्रेंथ देखने में वो सेहतमंद होते हैं लेकिन उनकी स्ट्रेंथ कम होती है। तो आपने अपनी सेहत, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से आपने एक्सरसाइज करनी है। ये दिन बहुत ज़बरदस्त है उन लोगों के लिए जो अपनी बॉडी से फैट को कट करना चाहते हैं, अपनी बॉडी को शेप में रखना चाहते हैं, अपनी बॉडी को फिट करना चाहते हैं। और रमज़ान में वैसे भी जब हम फास्टिंग में होते हैं तो बहुत सी बीमारियां अल्लाह ताला की तरफ से हमारे अंदर से एग्जिट कर जाती हैं, निकल जाती हैं। तो हम जब इसमें एक्सरसाइज करते हैं तो उसका इम्पेक्ट और अच्छा आता है। लेकिन बार बार हम यही कहेंगे कंट्रोल वे में, और आपने अपने फूड का, अपनी नींद का, अपने रेस्ट का, इन तमाम चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ये नहीं करना कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप जनाब चीज़ों को फोड़ लें तरीके से, समोसे पकौड़े रोल पिज्ज़ा बर्गर जितनी डीप फ्राइज चीज़ें, इनसे आपने बचना है। आप अच्छी हेल्दी आप डाइट लेंगे। देखें, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हेल्दी, देखें फ्रूट हेल्दी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने पूरा एक बड़ा थाल भर के फ्रूट खा लिया जी ये तो हेल्दी है, कोई मसला नहीं। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, लिमिटेशन में चीज़ अच्छी लगती है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। अच्छा, सबसे पहले आज हमारा जो मसल्स है वो चेस्ट है, चेस्ट को आज ट्रेन करेंगे हम। हमारी कोशिश होगी आज हम चेस्ट सुपर सेट में करें और अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से करें। सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, उसके बाद हम अपना चेस्ट का वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आफ्टर वार्म अप ट्रेडमिल हमारी जो एक्सरसाइज अब स्टार्ट होगी। देखें, जैसे हम आपको बताते हैं कि जो भी आपका मसल्स है सबसे पहले उसका एक वार्म अप सेट लगाएं, तो हम चेस्ट का वार्म अप सेट लगा रहे हैं। अपने डिप्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये डिप्स हमारा वार्म अप सेट है। पहले आप वार्म अप करेंगे, उसके बाद हम आगे का वर्कआउट आपसे शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, आफ्टर वार्म अप जो फर्स्ट हमारी एक्सरसाइज है वो सुपर सेट्स में है। सबसे पहले हम बेंच प्रेस करेंगे, बेंच प्रेस के 12 हम रेप्स करेंगे। उसके फौरन बाद हमने फ्लाइंग करनी है, डंबल फ्लाई, उसके भी हम 12 रेप्स करेंगे। बेंच प्रेस और डंबल फ्लाई दोनों के 12 12 रेप्स, ये हमारा एक सेट होगा। इसी तरह के हम 4 टाइम रिपीट करेंगे, 4 सेट्स 12 12 रेप्स। अच्छा फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है ये भी सुपर सेट्स में। सबसे पहले हम इंक्लाइन डंबल प्रेस करेंगे 12 रेप्स, और फौरन ही बगैर ब्रेक के हम क्लोज ग्रिप में डंबल प्रेस करेंगे 12 रेप्स। ये दोनों चीजें 12 12 रेप्स में हमारा एक सेट होगा। इसी तरह के हम 4 सेट्स रिपीट करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है ये भी सुपर सेट में। बेंच प्रेस की हम 12 रेप्स करेंगे, बारबल बेंच प्रेस पर 12 रेप्स, और ऐसे ही डिक्लाइंड पर हम 12 रेप्स करेंगे। ये हमारा एक सेट कंप्लीट होगा। इसी तरह के हम 4 सेट्स करेंगे, 4 सेट 12 12 रेप्स।
दोस्तों बैंड बज चुकी है हमारी, सुपर सेट्स जबरदस्त किस्म की एक्सरसाइज है, चेस्ट को आपके तरीके से फाड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है अभी सुपर सेट में, इंक्लाइंड बारबल प्रेस 12 रेप्स और उसके फौरन बाद बगैर ब्रेक के इंक्लाइंड डंबल फ्लाई, दोनों के 12 12 रेप्स, एक सेट हमारा काउंट होगा। इसी तरह के फोर सेट्स हम करेंगे, फोर सेट्स 12 12 रेप्स। अच्छा व्यूवर्स, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो केबल क्रॉस है। केबल क्रॉस के भी हम दो एंगल करेंगे, एक एंगल एंगल में केबल हमारी फ्रंट पर आएगी, 12 रेप्स करेंगे और 12 रेप्स के बाद हम इसे डाउन नीचे लेकर जाएंगे। 12 12 रेप्स का ये हमारा एक सेट होगा। इसी तरह के हम फोर सेट रिपीट करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, वर्कआउट आज आपके साथ हमने शेयर किया, चेस्ट का ज़बरदस्त किस्म का वर्कआउट है। जैसे हम आपको बता चुके हैं कि आपने वर्कआउट को बिल्कुल उसी क्वालिटी क्वांटिटी के साथ परफॉर्म करना है जिस तरह हम आपको बता रहे हैं। बस एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि आपने स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से वेट लिफ्टिंग करनी है, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से आपने वेट लिफ्ट करना है और अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से आप एक्सरसाइज करेंगे। जैसे हमने आपको बताया कि हम फोर सेट्स परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी स्ट्रेंथ कम है तो आप थ्री सेट्स भी परफॉर्म कर सकते हैं ड्यूरिंग द रमदान, कोई ऐसा इतना बड़ा मसला नहीं है। एक्सरसाइज हम आपको फिट रहने के लिए करवा रहे हैं, ना कि आपको इंजर्ड करने के लिए। रिकैप हम आपको बता दें, सबसे पहले हमने वार्म अप किया था, वार्म अप के बाद हमने ट्रेडमिल किया, ट्रेडमिल 7 to 10 मिनट्स का बिफोर वर्कआउट। अच्छा हमने उसके बाद वर्कआउट आपके साथ शेयर किया जो हमने वर्कआउट किया, उसके बाद हमने फोरआर्म्स किया, फोरआर्म्स के बाद हमने ट्रेडमिल किया है 10 to 15 मिनट्स का। ये तो आज की हमारी टोटल एक्सरसाइज की शेड्यूल हमने आपके साथ शेयर कर दिया, वीडियो आप देख ही चुके हैं। अच्छा बात हो रही थी जी कंटेंट के हवाले से कि जी कंटेंट क्या है, आप किस तरह से कर? लोग अक्सर हमसे पूछते हैं कि यार आप वीडियो बनाते हैं तो आपका कंटेंट क्या है, तो मैंने उन्हें ज़्यादातर लोगों को मैं बिल्कुल क्लियर कट बताता हूँ कि देखें हमारा जो कंटेंट है वो बेसिकली फिटनेस के लिहाज से है कि हम अपने आप को किस तरह से अपने लाइफ स्टाइल को, अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहते हुए अपनी जो ज़िंदगी की मसरूफियात है वो भी करनी है, टेंशनें परेशानियाँ, उसके साथ साथ अपनी फिटनेस को किस तरह लेके चलना है। और हम जो लाइफ स्टाइल खुद गुजार रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि यही चीज़ें हम आप लोगों के साथ भी शेयर करें कि आप लोग इस टफ शेड्यूल में अपनी फिटनेस को किस तरह से आप आगे जारी रख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी कंटेंट तो बहुत से चल रहे हैं, आप लोग जैसे देखते हैं, देखें हम कंटेंट पे एक ही बात बोलते हैं कि जो इंसान जैसा होता है वो वैसी चीज़ें ढूंढता है। अगर आपकी सोच अच्छी है, आप अच्छी चीज़ देखना चाह रहे हैं तो आप वही कंटेंट ढूंढेंगे। आप किसी की भी लैपटॉप या मुख्तलिफ चीज़ों की हिस्ट्री में आप चले जाएँ तो आपको उसके माइंड का अंदाज़ा हो जाएगा कि वो बंदा क्या देखना चाह रहा है, क्या ढूंढना चाह रहा है। तो मुख्तलिफ लोग हमसे पूछते हैं कि यार आपके व्यूज़ कम हैं ज़्यादा हैं। देखो भाई, व्यूज़ तो उनके भी बहुत आते हैं कि कुछ भी नहीं है, एक खातून है बस, वो उनको बैक से नजर आ रही है, वो कुछ नहीं पता चल रहा कि शक्ल कहाँ है क्या है, और लोगों में देखें तो उनके मिलियंस व्यूज हैं। तो ये अपने अपने जहन पे डिपेंड है, मुझे नहीं पता वो क्या देखना चाह रहे हैं, जबकि हम उसे ना पहचानते हैं ना कोई वो सेलिब्रिटी, बस एक ऐसा लग रहा है कि कोई खातून है और वो जा रही है। अब पता नहीं वो खातून भी है यानी, या खातून के कपड़े में कोई जेंट्स है वो घूम रहा है। तो ये अपने अपने जहन पे डिपेंड करता है। हम यही कहते हैं कि आप वो चीज देखें जो आपको फायदा पहुंचाए, और आपके लिए हमारी कोशिश भी ये होती है कि हम वो चीज़ आप तक पहुंचाएं कि जिससे अगर हमें सवाब नहीं मिलता तो कम से कम गुना ना मिले। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आएं। हमें लोग बड़े मशवरा देते हैं, यार आप अपने कंटेंट में ये शामिल कर लें, आप अपने कंटेंट में इसको मिला लें, आप ये कर लें आप बीच में। भाई मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इसी तरह से अपने कॉन्टेंट को चलाना है और मैं इसमें बहुत खुश हूँ।
और हम इसी तरह की अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। अपने भाई आरके जे को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नए व्लॉग में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।